मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश की कुलाधिपति और महामहिम राज्यपाल श्रद्धेय आनंदीबेन जी, पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, हमारे राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी, इस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक जी, प्रतिकुलपति श्री सुधीर कुमार अवस्थी जी, उपस्थित शिक्षाविदों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं भारतीय संस्कृति के इस नौ वर्ष के प्रारंभ वाले दिन आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं। फिर बधाई उन सभी छात्रों को और छात्राओं को जिन्होंने पदक प्राप्त की और डिग्री प्राप्त की। पदक प्राप्त करने वाले थोड़े ज्यादा मेहनत किए होंगे तो उनको उनके जीवन में एक मील का पत्थर बना ये पदक, और अन्य लोगों ने भी मेहनत करके डिग्री हासिल की, उपाधि हासिल की है, वह अपने जीवन में आगे बढ़े, इस सब की शुभकामनाएं आपको देता हूं। मैं सामने बैठे हुए बच्चों को देख रहा हूं और आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई महिलाओं को, पिछले कार्यक्रमों में मैं रहा महामहिम जी के, कुछ लोग आदर्श की बात करते हैं, आदर्श की बात करना आसान है, उससे कठिन है उन आदर्शों पर चलना, और उससे ज्यादा कठिन होता है आदर्शों की बात करते हुए उन पर चलते हुए एक लंबी फौज लेकर चलना जो उन आदर्शों पर चल सके, ऐसी शिक्षा देना। महामहिम जी उसी की प्रेरक स्तंभ है जो स्वयं उन आदर्शों पर चलती है और साथ में हम लोग जैसे लोगों को चलाने की कोशिश करती है, दिशा देती है। किस विश्वविद्यालय ने इससे पहले इन बच्चों के बारे में, इन छोटे छोटे अंतिम छोर पर बैठे वंचित क्षेत्र के बच्चों के बारे में सोचा? मैंने पिछले ही कार्यक्रमों में देखा, यहां भी देखेंगे आप सब लोग, कि जब इनको इनकी उपयोगी वस्तुएं दी जाएंगी इनके चेहरे पर एक मुस्कान आएगी। किसी शायर ने कहा है, मस्जिद कहीं दूर है तो चलो यूं कर चलें, मस्जिद कहीं दूर है तो चलो यूं कर चलें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, किसी रोते हुए बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाना एक खुदा की इबादत है। और जो शिक्षा दी है हमारे हमारी महामहिम जी ने हम सबको, और उस पर चलने का प्रयास किया है हम सब ने। हम जिस क्षेत्र से जुड़े हैं वह क्षेत्र सेवा का माध्यम बने, यह संदेश है इसके पीछे, और सेवा परिवर्तन की वाहक बने, यह अलग जगा रही है महामहिम इसके माध्यम से। पिछले दिनों मुझे कहने में कोई हिचक नहीं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर काफी गिरा हुआ था, निचले स्तर पर था, निचले पायदान पर था। जब से महामहिम का मार्गदर्शन मिला है, परसेप्शन बदला उत्तर प्रदेश की शिक्षा का। इससे पहले ए ग्रेड का नेक में कोई विश्वविद्यालय नहीं था, लेकिन जो मैराथन मीटिंग्स ली, मैं भी उसमें शामिल होता था, और वो सात सात आठ आठ घंटे की मीटिंग में सोचता था कि इस उम्र में भी इतनी मेहनत, इतनी दिशा निर्देशन, मार्गदर्शन, और उस सब का प्रभाव हुआ उत्तर प्रदेश में कि तीन विश्वविद्यालय और एक मेडिकल विश्वविद्यालय, यानी चार विश्वविद्यालय ए डबल प्लस की श्रेणी में आए, पहली बार उत्तर प्रदेश को गौरव हुआ।
और आपके विश्वविद्यालय को भी जो मैंने चंबा में मीटिंग लेती थी, निश्चित मानिए कि A++ प्राप्त करेगा, ऐसा मुझे आभास है। और जाने कितने 3-4 विश्वविद्यालय और हैं जो इस दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। यह सब महामहिम की मेहनत का, परिश्रम का, मार्गदर्शन का और इनके विजन का परिणाम है। तो हम जिस क्षेत्र में हैं वह क्षेत्र देश की सेवा का माध्यम बने और परिवर्तन का माध्यम बने, यह इस बात का द्योतक है। एक संदेश महामहिम देती है जो हमें ग्रहण करना चाहिए। मित्रों, आप भी अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे, कोई नौकरी करेगा, कोई नौकरी देगा, कोई व्यवसाय करेगा। शिक्षा मनुष्य को ज्ञान देती है और परफेक्ट व्यक्ति बनाती है, और उस ज्ञान के माध्यम से आप आगे बढ़ेंगे। एक बात और है कहना चाहूंगा मैं कि ज्ञान यदि अपनी भाषा में मिलता है तो सरल और सहज होता है, लेकिन कुछ भाषा की सीखना या बोलना, इसको मैं अपराध या गलत नहीं मानता। बोलना चाहिए, सीखना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, लेकिन कोई भाषा ज्ञान का माध्यम बनती है सिर्फ इसलिए सीखी जाती है, तो हमारी भाषा ज्ञान का माध्यम क्यों ना बने, इसका भी प्रयास होना चाहिए। यहाँ बहुत बड़े शिक्षाविद बैठे हैं, इनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम। गर्व होना चाहिए हमको अपनी भाषा पर। अभी हमको सरकार ने भेजा था नीदरलैंड और फ्रांस, तो फ्रांस में गया था पेरिस, अपने जो सरकारी काम से निवृत्त होकर पेरिस का परफ्यूम मशहूर है, वहां गया उस दुकान पर, तो उससे फ्रेंच में वो सेल्स गर्ल्स थी, मुझसे पूछा कुछ, तो मैंने कहा आई डोंट नो फ्रेंच। तो वहां एक और खट सज्जन खड़े थे, बोले फ्रॉम वेयर यू आर, मैंने कहा आई एम फ्रॉम इंडिया। ओह, फ्रॉम मोदी कंट्री, सीना 56 इंची का हो गया उसको, मैं जब उसने लिखा फ्रॉम मोदी कंट्री, वेलकम वेलकम। लेकिन एक बात देखिए भाव, फ्रेंच पहले बोलते हैं मालूम पड़ा है मुझको। जब तक सामने वाला फ्रेंच नहीं जानता तब तक फ्रेंच बोलेंगे, नहीं बोलते तो इंग्लिश बोलेंगे, अन्यथा फ्रेंच में बात करेंगे। एक गर्व है उनको अपनी भाषा पर, और ज्ञान की भाषा भी उन्होंने अपनी भाषा बनाई है, निज भाषा। तो यहां के शिक्षकों से गुजारिश है कि ज्ञान की भाषा उसको परिष्कृत, हिंदी को इतना परिष्कृत करें कि वो ज्ञान की भाषा बन सके। और मित्रों, आप सब जहां भी जाएं, जिस क्षेत्र में भी जाएं, उस क्षेत्र के ईमानदारी से सेवा करें, यही राष्ट्रभक्ति है। देशभक्ति की कोई लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं होती, या हम मोर्चे पर जाकर लड़ेंगे, यही राष्ट्रभक्ति है, देशभक्ति नहीं है। समाज ने जो हमें जिम्मेदारी दी है, ये समाज से हमने जो जिम्मेदारी ली है, हम उसका ईमानदारी से पालन करें, देश की सेवा में लगें, यही राष्ट्रभक्ति है, यही देशभक्ति है। इस शिक्षा को जो आपने ली है और या जो आप शिक्षक दे रहे हैं, एजुकेशन इज अ मिशन नॉट प्रोफेशन, यह याद रखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, धन्यवाद। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व दीन करता, संत हंस गुण गहि पै परिहर बार विकास। मैं मुख्य अतिथि महोदय पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज, अध्यक्ष और आध्यात्मिक गुरु परमा